जब से आए हैं विधायक बहुत ही जातवाद यहाँ कर दिया है। वो हजार के अलावा देखो कितने रोजी रोटी चलती थी। बहुत शिकायत की कि साहब दुकान ना तोड़ी जाए, टाइम दे दिया जाए, टाइम तक का भी नहीं दिया, सामान भी टोटल दब गया उसी में बुलडोजर चला। तो यहाँ से चार नंबर तक हजारों आदमी के गई हैं फैक्ट्री। जब से कांग्रेस और पार्टियाँ थी पिछले में हमको बहुत फायदा हुआ। आज तक हम लोगों को जो है दो साल का दिन बीत गया है, रोजी रोटी जो है भूखे मर रहे हैं लोग, रोड पे आ गए हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन 14 से हमको तकलीफ हुआ। हम लोगों को जो है कभी भी बुलाते नहीं है। मान लीजिए कभी इमरजेंसी पड़ गया भले बुला लिए, और ज़्यादा आदमी हो गए तो उसमें भी निकाल देते हैं। रिक्शे पे काम करते हैं, सिलाई का काम रिक्शे पे कर रहे हैं, वहाँ दुकान थी जब हाँ मंत्री जी ने तोड़वा दिए। कांग्रेस के ज़माने में बहुत कुछ चल रहा था सर, अब जो हो गया ये रोजी रोटी जो है छिन गई हमारे लोगों की। कहें कि ऐसा केंद्र से कुछ नहीं आता है, केंद्र से कुछ मतलब ही नहीं है। अगर सपा सरकार आएगी तो हम जो बेरोजगार हुए हैं वो रोजगार दिला देगी, हमारा दुकान चल जाएगा, ये सोच करके हम। हम इस वक्त अमेठी जिले में मौजूद हैं। अमेठी जिला सियासत को लेके बहुत ऊपर की लिस्ट में शुमार होता है। कई कद्दावर नेता यहाँ से निकल चुके हैं और कई प्रधानमंत्री भी देश को मिल चुके हैं। लेकिन अब सबसे ज़रूरी है यहाँ के व्यापारी, क्योंकि किसी भी सोसाइटी को बेहतर तरीके से रन कराने की जो जिम्मेदारी और रीढ़ की हड्डी होती है वो उसके व्यापारी होते हैं। अब यहाँ के व्यापारियों से जानने की कोशिश करेंगे अमेठी में बिजनेस कितना आसान है, कितना टफ है, किस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं और उनको कैसे आसान किया जा सकता है, और आने वाली सरकार से उनकी क्या उम्मीद है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ के व्यापारी से लेते हैं। तो चलिए आपको व्यापारियों से मिलवाते हैं। चाचा क्या नाम आपका? पीर मोहम्मद। चाचा आप ये बताइए, जगदीशपुर इलाके में आप रहते हैं तो यहाँ की कौन सी समस्या है जो अपने विधायक से आप कहना चाहते हैं? विधायक से हम ये कहना चाहते हैं कि विधायक को अच्छा हम लोग को देना चाहिए। उसके जब से आए हैं विधायक बहुत ही जातवाद यहाँ कर दिया है। अच्छा। और उसके अलावा कोई चीज़ में सहयोग नहीं देते, फैक्ट्री की तरफ से देते हैं या यहाँ पे जो तोड़ फोड़ हुई है, इतने आजाद रहे इतने हर जगह, कम से कम नौकरी जो नहीं मिला रहा वो बेचारे रखे थे उनकी रोजी रोटी चली गई। तकरीबन कितने लोगों को दुकानें हटी होंगी यहाँ से? चार नंबर तक हजारों आदमी के गई हैं, और हजार के अलावा देख लो कितने रोजी रोटी चलती थी उसके। जिस वक्त इसको हटाया जा रहा था, ये मार्केट को हटाया जा, तो क्या आपने शिकायत की थी विधायक से कि भाई हमारी दुकानें छोड़ दी जाएं वक्ती तौर पे ताकि हम शिफ्ट कर लें दुकान को? भाई हमारी दुकान नहीं थी, लेकिन यहाँ के थे सब जानता हूँ हम शिकायत करने के। अब दुकान वाले किए शिकायत किए, ऐसे नहीं है कि नहीं गए, उन्होंने कहा हम नहीं करवा रहे हैं, सबको पता है करवा रहे हैं। और उसके बाद पाप ऊपर से आ गया, छः महीना के बाद अभी था यहाँ पे हाँ वहाँ पे खुद स्टेट पे बोल दिया कि पाप अपने मुँह बोल दिया कि हमने माफिया की किराया। कौन यहाँ माफिया था? जो माफिया था उसका तो बचा के रखा। किसने बोला माफियाओं का? ये अपने मंत्री सुरेश वासी जो हैं, उन्होंने बोला कि मैंने माफियाओं की दुकानें हटाई। हाँ, बुलडोजर चला बाबा का, नंबर एक पर साथ में चला, तो तब से और पब्लिक गुस्सा हो गई कि अभी तो अपने मुंह से बोल रहे हैं। अच्छा, जो यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं उससे कुछ फ़ायदा आप लोग को पहुँचता है? फैक्ट्री जब से कांग्रेस और पार्टियाँ थी पिछले में हमको बहुत फायदा हुआ, लेकिन 14 से हमको तकलीफ हुआ। हम लोग का तनख्वाह कम कर दिया गया, लेकिन फिर भी तो लोग थोड़ा बहुत हम लोग को मिलता है, लेकिन कंटक लेबर इतने बेचारे आज वो रो रहे हैं। हो गया ऐसा है कि सारे को निकाल दिया उन्होंने। अच्छा। और उनका जो फंड बोनस है वो भी नहीं निकल रहा है। अच्छा। कोई पूछता नहीं। तो ये किस फैक्ट्री में आप थे जो जिसका आप बात कर रहे हैं? अच्छा, BHL की बात है। जी। तो और ये बताया नहीं गया कि किस वजह से लोगों की तनख्वाहें जो काटी गई है, लोगों को निकाला गया, वो किस वजह से किया जा रहा है? वो कोरोना की वजह से सरकारी कंपनियों में काटा गया है। क्या बता रहे हैं ये, कब लोगों को वापस रखा जाएगा कि बस निकाल दिया बाहर? तो निकाली नहीं, उनको बंद ही कर दिया, निकालेगा क्या? अच्छा, यूनिटी बंद कर दी? हाँ, पुरानी हमारी BHL, नई वाली चल रही है, बाकी बंद कर दिया गया है। पुरानी वाली यूनिट बंद कर दी। कितना आदमी होगा उस वक्त यूनिट में? 700-800 हमारे सेल के आदमी रहे। अच्छा।
तो ये लोग इतने वर्कर्स काम करते थे, तो सारे वर्कर कुल मिला के बेरोजगार हो गए हैं इस वक्त। तो अब जो वो वर्कर्स हैं उनमें आप भी शामिल हैं? जी नहीं, हम तो रेगुलर में हैं। अच्छा, आप रेगुलर में। अच्छा, ये वो वर्कर थे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम करते थे, ठीक है, तो वो सब करीब करीब सभी बेरोजगार हो गए हैं इस वक्त। तो अभी कुछ लोग हैं जो अब किस तरह से, अब आपको अगर अंदाज़ा हो कि जब किस तरह से किसी का परिवार चल रहा होगा, तो उसके बारे में कोई आपके करीबी हो जो किस तरह? अरे बगल के थे बेचारे परेशान, यही यही उनका धंधा था काम करना, या इधर उधर दुकान रखा उसको भी तोड़ दिया है। तो ये इस तरह की दिक्कतें जो हैं जगदीशपुर में रहने वाले लोग और जो इंडस्ट्रियल एरियाज में काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, उनको इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। एक जनाब और हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह। प्रकाश जी क्या लग रहा है, किसकी हवा चल रही है? ये सर ऐसा है अभी तो जो है सपा की चल रही है सर। अच्छा, सपा की चल रही है। यहाँ तो है विधायक वो हैं आपके सुरेश पासी जी, बीजेपी के विधायक हैं, तो मंत्री भी हैं। अब क्या लग रहा है कि रिपीट करेंगे? सर रिपीट करने की बात नहीं है, बस सर इतना महंगाई है सर, हम लोग जो है 32 साल से BHL में काम कर रहे हैं, आज तक हम लोगों को जो है 2 साल का दिन बीत गया है, रोजी रोटी जो है भूखे मर रहे हैं लोग, रोड पे आ गए हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। जी सर। नहीं तो आप BHL में काम करते थे? जी सर। अभी क्या हुआ है? बस सर हफ्ते में एक आध दिन बुला लेते हैं, नहीं चले जाओ घर। अच्छा, मतलब काम नहीं हो रहा है वहाँ पर क्या? बिल्कुल छोड़ दिए वहाँ पे, कहते हैं हमारे पास काम ही नहीं है, और जो पहले पैसा मिलता था, हम लोगों का तनख्वाह बढ़ना चाहिए तो हमारे लोगों का तनख्वाह घट रहा है। जी मतलब आप मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वहाँ पर काम? जी 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 जी। तो ये मतलब जब एक हफ्ते में एक बार बुला रहे, तो इसके लिए वो लोग जवाब नहीं देते कि भाई क्यों आपको काम नहीं मिल रहा है, क्यों रोजगार नहीं दे पा रहे? सर कांग्रेस के जमाने में बहुत कुछ चल रहा था सर, अब जो हो गया ये रोजी रोटी जो है छिन गई हमारे लोगों की। जी मतलब आप ये चाहते हैं कि भाई कांग्रेस के जमाने में चीजें बेहतर थी और अभी BJP की सरकार में कुछ चीजें डाउन पड़ रही हैं, यही कहना चाहते हैं आप? तो ये बताइए कि आप जो है फैक्ट्रीज क्यों, कभी कुछ बताया फैक्ट्री के जो भी सुपरवाइजर हैं, जो भी केयर टेकर हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया कि भाई क्यों वो आपको जॉब नहीं दे पा रहे हैं या क्यों आपको काम पे नहीं बुला पा रहे? बोल रहे हैं हमारे कंपनी में बहुत घाटा है, इस समय जो है कोई ऑर्डर नहीं है, हमारे यहाँ किलन जो है सबसे मुख्य चीज था, किलन बंद हो गया, आज एक हफ्ता हो गया बंद हो गया, पूरी फैक्ट्री नाश हो गई। अब जो है नया फैक्ट्री में जो है काम चल रहा है, हल्का फुल्का काम चल रहा है, वो भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे है। हम लोगों को जो है कभी भी बुलाते नहीं है, मान लीजिए कभी इमरजेंसी पड़ गया भले बुला लिए, और ज़्यादा आदमी हो गए तो उसमें भी निकाल देते हैं, कहे कि ऐसा केंद्र से कुछ नहीं आता है, केंद्र से कुछ मतलब ही नहीं है। जी हम लोगों का जो है रोजी रोटी है एकदम छिन गई। आज कुल मिला के इस वक्त जो रोजगार मेन मुद्दा बना हुआ है, अगर विधायक जो हैं सुरेश पासी हैं, अगर ये रिपीट करते हैं या जो भी नया विधायक आता है, उनसे आप क्या चाह रहे हैं? हम तो चाहते हैं सर ऐसा है कि सबका रोजी रोटी लगे, कमाए खाएं, ऐश करें, ये चाहते हैं, चाहे जो भी सरकार आए हम लोगों की रोजी रोटी चाहिए। चाचा क्या नाम है? तजम्मुल हुसैन। चाचा क्या लग रहा है किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? सपा की सरकार बनवा रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? सिलाई काम करते हैं, टेलर मास्टर हैं। जी जी। तो क्या चीज़ अच्छी लग रही सपा में आपको, जो मतलब सिटिंग विधायक हैं यहाँ के विधायक BJP के, तो कौन सी ऐसी बात आपको सपा की बड़ी अच्छी लगी, आपको लगता है सपा सरकार आएगी? अरे सपा सरकार आएगी तो हम जो बेरोजगार हुए हैं वो रोजगार दिला देगी, हमारा दुकान चल जाएगा, ये सोच करके हम उसके साथ। तो आप तो काम कर रहे हैं, आप कैसे बेरोजगार हो गए? सर काम कहाँ कर रहे हैं, देखिए फुटपाथ पे रिक्शा लगा हुआ है, रिक्शे पे काम करते हैं, सिलाई का काम रिक्शे पे कर रहे हैं, वहाँ दुकान थी जब, हाँ मंत्री जी ने तोड़वा दिए, अब बताइए मैं 85 से यहाँ कर रहे थे दुकान और इन्होंने तोड़वा दिया। जब दुकान तोड़ी जा रही थी उस वक्त आपने ऐसी कोई शिकायत नहीं करी मंत्री जी कि भाई हमारे हमें रोक? बहुत शिकायत की कि साहब दुकान ना तोड़ी जाए, टाइम दे दिया जाए, टाइम तक का भी नहीं दिया, सामान भी टोटल दब गया उसी में बुलडोजर चला, तो दुकान का जो हमारे रेक था मशीन थी सब कुछ उसी में दबवा दिए, तो टूट गया था। तो अजय एक बात की बताइए, दुकान टूट गई आपकी, कितने सालों से दुकान थी और कितने वक्त पहले दुकान तोड़ी गई? मेरी दुकान 85 से थी रोड नंबर 1 पे, 15 और 20 थी, मतलब तकरीबन 35 सालों से आपकी दुकान थी। जी 92 में अधिकारी मजहर हुसैन जो थे लखनऊ के प्रबंधक, यूपी
सीआरडीसी के, उन्होंने 2000 रुपये भी जमा कराया हमारा अलॉटमेंट के लिए, जी अलॉटमेंट के लिए कि आपको यहाँ दुकान दी जाएगी। उसके बाद दुकान नहीं दी गई आज तक का, और 2000 रुपये की रसीद मेरे पास है आज भी है, जी पक्की रसीद, उनका दस्तखत मोहर बाकायदे अलीगंज ऑफिस थी, वहाँ गए थे जमा कर। अच्छा, UPSIDCA में जिसमें आपने रजिस्टर्ड दुकान कराने के लिए पैसे दिए, उसमें मोहर भी हो गई और सरकारी रसीद भी मिल गई आपको, उसी चीज को बाद में अवैध बता के तोड़ दिया गया। जी, यही हुआ आपके जी साथ। तो अभी जो भी विधायक बनते हैं या ये रिपीट करते हैं आपके सुरेश पाती जी, तो आप क्या चाहते हैं इनसे? जी मैं चाहता हूँ कि मेरी दुकान तोड़ी गई, मुझको दुकान दे दिया जाए, हम भी खाने कमाने लगे, अपना सुख से रहते जैसे पहले रहते थे वैसे रहेंगे। अच्छा, ये तो देखिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई सरकार के लिए किसी को पक्की दुकान दे देना, अगर मान ली पक्की दुकान नहीं मिलती है तो, और दूसरा ऑप्शन बताइए जिससे काम चल जाए आप लोगों को। जी हमको कहीं ना कहीं बता दें कि आप यहाँ पे आप करिए अपना जो है बैठ करके कमाइए खाइए, कहीं पर भी बता दें, कहीं पर एक जैसे कि कोई मार्केट जैसे बना दें, जैसे दुकानदार हैं छोटे छोटे हैं हम लोग, ज़्यादा बड़े तो हैं नहीं था, तो इस हिसाब से बना दें कि रोजी रोटी चल जाए हम लोगों की। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ और सहयोगी मोहम्मद तौफीक के साथ मैं मोहम्मद आसिफुल्लाह, न्यूज़ टाइम नेशन अमेठी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।